हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम वायरस के बारे में जानेंगे। तो 1901 में वोल्टर रीड, जो कि हमारे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फर्स्ट ह्यूमन वायरस डिस्कवर किया था। वायरस होता क्या है? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वायरस असल में नॉन लिविंग है। वायरस असल में नॉन लिविंग है, वो सिर्फ कंपोजिशन है, कलेक्शन है। वो सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर से बनी एक चीज़ है, ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा डिकम्पोज हो सके। ये वायरस वायरस हमारा कुछ ऐसा दिखता है। तो जो ये वायरस है, ये लिविंग नहीं है, बल्कि ये ऑर्गेनिक मैटर से बनी एक चीज़ है। ये खुद को, खुद की कॉपी बना सकती है, ये खुद को रेप्लिकेट कर सकती है। इनमें ज़्यादातर एक शेल, जो इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इन्हें शेल बोलते हैं। ये शेल हमारी प्रोटीन जो होता है उससे बनी होती हैं। ये शेल हमारी प्रोटीन से बनी होती हैं। और इस वायरस के अंदर हमारे पास या तो डीएनए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर, जो हमारा डीएनए वो कुछ ऐसा दिखता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए होता है। अब ये डीएनए असल में दो अलग अलग, जो हमारी स्ट्रैंड्स, जैसे हाफ, ये हाफ, दो अलग अलग इन स्ट्रैंड से बना हुआ होता है हमारा एक डीएनए। इन दो अलग स्ट्रैंड से बना हुआ होता है। तो वायरस में या तो हमारा एक पूरा डीएनए होगा, या हमारे पास आधा डीएनए होगा, जिसे हम स्ट्रैंड बोलते हैं, जिसे हम स्ट्रैंड बोलते हैं, STRANDs। इनके अलावा डीएनए या आरएनए और प्रोटीन से बनी शेल के अलावा हमारे वायरस में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स यानी पदार्थ, केमिकल्स, एक तरह से बायोलॉजिकल केमिकल्स। ये एंजाइम क्या करते हैं? डीएनए की कॉपीज, जो अगर डीएनए अपनी कॉपीज बनाए, तो उस कॉपी मेकिंग, कॉपी बनाने में हेल्प करते हैं एंजाइम्स। डीएनए को कॉपी बनाने में हमारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं। हमारा जो ये वायरस है, ये अपनी खुद की कॉपीज बनाने के लिए या तो ये डीएनए या फिर ये स्ट्रैंड का यूज करता है, डीएनए या फिर एक स्ट्रैंड का। पर उसकी एक कंडीशन है, इसे एक सेल पे अटैक करना होगा, सेल को कैप्चर करना होगा, उसे हाईजैक करना होगा। वायरस को हमारे सेल पे, हमारे किसी भी एक सेल पे कैप्चर करना होगा। ये हमारा एक सेल का डायग्राम है। एक सेल ऐसा दिखता है। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये सेंटर, सेल का सेंटर, इस न्यूक्लियस में हमारे डीएनए होते हैं। और ये वैक्यूल्स है, इनमें हम खाना स्टोर करता है, स्टाइल इसमें खाना स्टोर करता है। और ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो अब वायरस है, वो सेल के अंदर जाता कैसे है? जो वायरस की आउटर कवरिंग है, जो कि प्रोटीन से बनी होती है, वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होती है। सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है, यानी इसमें काफ़ी सारे छेद होते हैं। और वायरस आपने देखा था, उसमें कुछ ऐसे ऐसे बाहर एंटीनास से होते हैं। तो एंटीनास इनमें फिट होते हैं। अगर कोई एंटीना इसमें फिट हो जाए, तो वायरस सेल में अंदर आराम से आ सकता है। बहुत सी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे वायरस सेल के अंदर आ जाता है, या फिर अपना डीएनए सेल में डाल देता है। फिर सेल के अंदर जाने के बाद वायरस है, वो हमारे न्यूक्लियस पे अटैक करता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे, एक तरह से न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है। तो हमारा जो सेल है, ये अपने खुद की डीएनए और प्रोटीन बनाता है। तो जब वायरस इस पे हाईजैक कर लेता है, इस पे अपना कब्जा कर लेता है, तो वायरस अपना डीएनए सेल में मिक्स कर देता है। वायरस अपना डीएनए सेल में मिक्स कर देता है, जिससे कि सेल एक रोबोट बन जाता है, एक तरह से रोबोट बन जाता है, जो बस वायरस को मल्टीप्लाई करता रहता है, यानी वायरस को बढ़ाता रहता है। पहले एक वायरस, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे करते करते वायरस है वो इस सेल को बहुत सारे वायरस से भर देता है।
जो कि क्या करता है, इस सेल पे इतना लोड आ जाता है, जैसे जैसे कि अगर आप किसी बलून में, किसी गुब्बारे में ज़्यादा हवा भर दो तो वो फूट जाता है। तो ज़्यादा वायरस की वजह से इस सेल पे इतना लोड आ जाता है अंदर से कि ये बस्ट हो जाता है, यानी फूट जाता है। तो फूटने के बाद जो बहुत सारे वायरस थे, जो फूटने के बाद जो इसमें अनगिनत वायरस बने थे, बिलियंस ऑफ वायरस बने थे, वो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, और वो दूसरे सेल्स पे कब्जा करके वापस यही सारी प्रोसेस करते हैं। तो अब सारे वायरस ऐसे नहीं होते, कुछ वायरस हमारे बहुत काम के भी होते हैं, यूज़फुल होते हैं। जैसे कि कुछ वायरस को हम यूज़ करते हैं प्लांट्स में, कुछ वायरस को हम प्लांट्स में यूज़ करते हैं ताकि वो बहुत सारी बीमारियों से लड़ सके, उन्हें ताकत बना सके। और कुछ वायरस को हम काफ़ी सारे टाइप्स के कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो साइंटिस्ट की एक और थ्योरी है कि एक सेल था जिस पे एक वायरस ने बाहर से आके अटैक किया। तो सेल में पहले से बहुत सारी चीज़ें तो थी, जैसे एंडोप्लाज्म, राइबोसोम, राइबोसोम आपके जो प्रोटीन बनाते हैं। तो उस वायरस का काम था इसको इन्फेक्ट करना, ताकि और वायरस बना सके। पर उस वायरस की वजह से इस सेल को एक अपना खुद का न्यूक्लियस मिल गया, इस सेल को अपना न्यूक्लियस मिल गया। अब इसे कोइंसिडेंस समझो या फिर एक बायोलॉजिकल हैपनिंग, ये जो हमारी प्रोसेस हुई थी, ये जो हमारा इंसिडेंट हुआ था, ये बिलियंस ईयर्स पहले हुआ था, यानी करोड़ों साल पहले एक वायरस की वजह से हमारा बैक्टीरिया जो ये सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया को न्यूक्लियस मिला था। आज के लिए बस इतना ही, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपका वायरस टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।